नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त आपके सामने उपस्थित है एक और बहुत ही अच्छा नया टॉपिक लेके, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक की, यानी कि जोंक तेल के बारे में, जिसे कि लीच ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने है नेचर श्योर कंपनी का जोंक तेल यानी कि लीच ऑयल, और इसके बहुत सारे मेजर बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरे इस तेल के नंबर वन बेनिफिट या फिर मेजर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये तेल आपको गंभीर से गंभीर गंजेपन से छुटकारा दिला सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों ये एलोपीसिया के केसेस में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों एलोपीसिया बालों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें असामान्य रूप से बहुत तेजी से बाल झड़ते हैं और सिर में जगह जगह छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं। और दोस्तों ये समस्या आमतौर पर तब होती है जब हमारी खुद की बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल्स पर हमला करता है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प पर छोटे छोटे पैचेस जाते हैं और वहां से पूरी तरह से हम गंजे हो जाते हैं। दोस्तों एलोपीसिया और गंजेपन जैसी चीजें एक इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं, और इन केसेस में अगर किसी को बहुत ही अच्छा, सस्ता और आसान ट्रीटमेंट मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे काम आएगा आपके ये जोंक तेल, जिससे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। बालों के आम झड़ने की समस्या से बढ़कर ये एलोपीसिया या गंजेपन के बड़े केसेस में भी बहुत हेल्पफुल माना गया है। दोस्तों आयुर्वेद की चरक संहिता में गंजेपन के बहुत सारे इलाज बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ जोंक थेरेपी का इलाज। दोस्तों गंजेपन के लिए इस इलाज का इस्तेमाल करीब 2000 से भी ज्यादा सालों से लोग करते आ रहे हैं, और इस ट्रीटमेंट को सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट्स में से एक माना जाता था, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान जोंक्स को पेशेंट के सर पे डाल दिया जाता था और सिर का जो भी दूषित खून होता था जोंक्स उसे सक कर लेती थी, और इस तरह से सिर में फफूंद या फंगस के कारण अगर हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते थे या बालों की जड़ें कमजोर होकर बाल झड़ने लगते थे या फिर किसी भी तरह का एलोपीसिया इन्फेक्शन होता था, उन सभी चीजों में काफी राहत पहुंचती थी। और साथ में सिर में ब्लड प्यूरिफिकेशन होने की वजह से सिर के रोम छिद्रों में नए बाल उगने लगते थे। और दोस्तों ये प्रोसेस इसलिए पॉसिबल हो पाता था क्योंकि जोंक के स्लाइवा में विशेष प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि दर्द को दूर करने में, ब्लड प्यूरिफिकेशन करने में और खून को पतला करने में काफी मददगार होते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस मॉडर्न एरा में आपको इतने लंबे प्रोसेस से और इतने मुश्किल प्रोसेस से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गंजेपन की समस्या से परेशान हैं या फिर आपको एलोपीसिया की प्रॉब्लम है या आपके बाल काफी झड़ रहे हैं और आपके बालों के लिए आप एक अच्छा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपने बालों की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं और हेयर ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑयल यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स के अलावा ये आपके फंगल इन्फेक्शंस को, यानी कि आपके स्कैल्प पे अगर किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, डैंड्रफ है, तो उन सभी चीज़ों को भी ये ट्रीट करने में काफ़ी मदद करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों, नेचर श्योर का ये जोंक ऑयल 100% प्योर जोंक ऑयल है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बनाया गया है ताकि आपके दिल में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। दोस्तों इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की जोंक ली जाती हैं, और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से साफ करके किसी एयरटाइट कंटेनर में मेडिसिनल आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ में मिक्स करके रख दिया जाता है, जिससे कुछ टाइम के बाद इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को कम से कम 1 से 2 महीने के लिए ऐसे ही चलने दिया जाता है। और दोस्तों फर्मेंटेशन पूरी हो जाने के बाद इस मिक्सचर को कोकोनट ऑयल में मिला दिया जाता है, और कोकोनट ऑयल में मिलाने के बाद इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया जाता है, और फिल्ट्रेशन के बाद मिलता है आपको ये जोंक तेल। तो दोस्तों गंजेपन के केसेस में आपके स्कैल्प की स्किन को इस तरह से रिजुविनेट करता है ताकि वहाँ पे नए बाल उगने शुरू हो जाएं। तो दोस्तों अगर आप बालों की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप एक बार नेचर श्योर कंपनी का ये जोंक ऑयल जरूर यूज करें। दोस्तों मैं आपको बताऊंगी इस हेयर ऑयल को आपको अपने बालों में किस तरह से लगाना है। तो मेन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसे आपको अपनी बालों की जड़ों में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर पार्टीशन कर लेना है। आप चाहे तो मिडिल पार्टीशन कर सकते हैं या फिर आप जो साइड पार्टीशन है वहां से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने ये कॉटन लिया है और इस ऑयल में इसको डिप किया है, इससे अच्छी मात्रा में इसमें ऑयल आ जाता है। तो ये जो पार्टीशन है मैं इसमें इसे अप्लाई करूंगी लाइक दिस। तो अब जो ये साइड्स के जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे भी हमें अच्छी तरह से ऑयल अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको जो फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं उनका यूज करना है, तो आपको इस तरह से ऑयल को वहां पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 फिंगर्स को डिप किया है और यहाँ से मैं इस तरह से अप्लाई करूंगी, आप देख सकते हैं। अब सेम चीज मुझे लेफ्ट साइड पे करनी है, तो अब मैं
यहाँ पे करूँगी सेम चीज इस तरह से, जैसे आप कॉम करते हैं तो आपको फिंगर से कॉम करने हैं अपने हेयर, तो आपके बालों की जो पूरी जड़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो देखिए 5 मिनट में ये ऑयल अब मेरे पूरे बालों में लग चुका है। तो ये मैंने बालों में ऑयल लगा लिया है और अब बारी आती है हल्के हाथों से मसाज करने की। तो आपको इस तरह से मसाज करनी है, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए बालों को अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए। दोस्तों इस जोंक ऑयल की कीमत है 239 रुपए, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे आपको काफी डिस्काउंट पे मिल जाएगा। आप चाहे तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर स्नैपडील पे जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी के बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी, ताकि आप वहां जाकर इसे परचेज कर पाएं। दोस्तों नेचर श्योर कंपनी का ये ऑयल वेट एंड ड्राई ग्रुप द्वारा मार्केटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड है, और साथ में जो इनकी फैसिलिटी है वो GMP सर्टिफाइड है, यानी कि ये पूरी तरह से GMP सर्टिफाइड हेयर ऑयल है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द है तो उसमें भी आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी के अभी बाइंग लिंक्स पे क्लिक करके आप इस ऑयल को परचेज कर लीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।